हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ दिनों से, लगभग एक हफ्ते से ऊपर हो गया होगा, मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई, कुछ प्रॉब्लम थी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये वीडियो लाई हूँ मैं सिंगोनियम प्लांट के बारे में। आपको याद होगा कि ये वाला प्लांट मैं लेके आई थी, ये जो नर्सरी विजिट की वीडियो थी उसमें मैंने आपको दिखाया था। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिंगोनियम प्लांट के बारे में बता सकूँ, और वीडियो में बहुत कुछ है जानने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसमें रिपोर्टिंग भी करेंगे इसकी, क्योंकि इसे मैं जब से लेके आई तब से ऐसा ही रखा हुआ है, जो कि हमें करना चाहिए। अगर पॉली बैग में है तो इतने दिन नहीं भले ही रखें, फिर भी उसको भी अगर पॉली ग्रो बैग में है तभी भी आप प्लांट को तुरंत लाके तुरंत रिपोर्ट ना करें। अगर बहुत प्रॉब्लम ना है तो उसे अच्छी जगह पर एक लाइट वाले एरिए पर रख दें, अंधेरे में ना रखें, धूप में डायरेक्ट ना रखें, तो प्लांट को थोड़े दिन छोड़ दीजिए। तो मैंने पॉटिंग मिक्स के लिए बहुत हल्की ली है, एक भाग कोकोपीट और एक भाग बर्मी कंपोस्ट का लिया है, थोड़ा सा फंगीसाइड डाला है। मैं बास्केट में लगा रही हूँ इसलिए भी मैंने कोकोपीट का यूज़ करा है, वैसे भी सॉफ्ट सॉइल होती है तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। तो वैसे आप चेंज कर सकते हैं, सॉइल को अपने हिसाब से बना सकते हैं, बस एक बात का हमेशा ध्यान रखें, पॉट के लिए, बास्केट के लिए, किसी के लिए भी, स्पेशली अगर आप पॉटिंग सॉइल तैयार कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि उसमें पानी ड्रेन आउट होना चाहिए, मतलब अच्छे ड्रेनेज वाली सॉइल होनी चाहिए। उसके लिए आप जो आपके गार्डन की, आपके एरिया की जो भी मिट्टी है उसमें आप रेत मिला सकते हैं और खाद मिला सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोकोपीट का होना। तो और फंगीसाइड भी नहीं है तो आप हल्दी या फिर दालचीनी का पाउडर भी उसमें मिला सकते हैं। तो इसको रिपोर्ट, मुझे लग रहा है कि इसमें जो है, देखिए देखते हैं, रूट्स बाहर थोड़ी सी एक दो देखने लगी थी, लेकिन उतना भी बड़ा रूट बॉल नहीं है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा अलग नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही दो चार अगर कोई निकलेंगे प्लांट तो मैं निकाल लूँगी रूट के साथ, और उसे एक छोटे पॉट में लगा दूँगी, और बाकी मैं इसी में ही रहने दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसकी केयर की, तो इतना ब्यूटीफुल और इतना प्रिटी प्लांट है ये, और बताए ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है, बस आप इसको तेज़ धूप में मत रखिए वरना इसके पत्ते बर्न हो जाते हैं। तो हल्की सुबह की धूप आती है तो चलेगा, नहीं तो ये शेड में भी बहुत अच्छे से, जैसे बालकनी है जहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम रहती है, हम क्या करें हमारी बालकनी में धूप नहीं आती है, बिना धूप के भी बहुत प्यारे प्यारे पौधे हैं, वो आप लगाइए और ग्रीनरी को बढ़ाइए। और जैसे कि नासा ने भी बताया, ये एयर को भी प्योरीफाई करता है, तो उस नज़रिए से भी अच्छा प्लांट है। तो फिर करना क्या है हमें, कि एक तो वेल ड्रेन सॉइल बनाएंगे ही, और पानी हमें तभी देना है जब सॉइल सूख जाए, तब पानी देना है, तो वरना ओवर वाटरिंग से ये प्रॉब्लम हो सकती है इसको। और सॉइल की बात हो गई और वाटर की बात हो गई, सनलाइट, फुल सनलाइट इसे नहीं चाहिए, सुबह की हल्की मिल जाए तो चलेगा, नहीं तो ये शेड में भी अच्छे से होता है। अच्छा, इसको मिस्टिंग पसंद है तो आप इसमें हर दूसरे दिन या रोज़ हो सके, मतलब एक बार इसको सुबह में मिस्ट कर देंगे तो ये ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट होते हैं तो अच्छे से ग्रो करते हैं, नहीं तो हफ्ते में एक बार जब इसे आप पानी देंगे तब इसको अच्छे से आप वॉश कर दीजिए, तो जो है क्या है कि पत्ते क्लीन रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा, और फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा तो प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छे से करेगा। इसलिए जो पत्तियां होती हैं प्लांट्स की वो क्लीन ही रखना चाहिए, जब आप पानी दें तो उनको वॉश कर दें। हाँ, स्नेक प्लांट होता है या कुछ ऐसे डेलिकेट प्लांट्स हैं जिनको आप गीले कपड़े से वाइप कर दीजिए, उनको बहुत मिस्टिंग या पानी नहीं पसंद होता है, तो इसका ऐसा नहीं है इसे मिस्टिंग पसंद है। खाद की बात रही तो महीने में एक बार आप इसे कोई भी ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक इसलिए कह रही हूँ मैं वही यूज़ करती हूँ, तो आप इसे कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, एक महीने में एक बार एक मुट्ठी डाल दीजिए, ठीक ठाक सा पॉट है, जैसे ये पॉट है इसमें हम डाल सकते हैं, तो इतना बहुत कोई इसे हाई डोज नहीं चाहिए होती है फर्टिलाइजर की, तो ज़्यादा केयर, देखा आपने, कोई खास केयर नहीं है, लेकिन ये बढ़ता है इतने अच्छे से, एक बार आप लाएंगे तो इतने सारे प्लांट धीरे धीरे करके आपके घर में होते जाएंगे। और देखिए, मैं दूसरे पॉट में भी लगा ली, और अभी मैं इसे पानी दूंगी जो कि मतलब ड्रेनेज होल से निकलता हुआ आपको दिख जाएगा, और ऐसे ही जब भी हमें पानी देना है तब देना है कि अच्छे से रूट, सारी की सारी इसकी रूट्स जो है वो पानी ले लें, ये नहीं कि थोड़ा सा डाल दिया। और दूसरा ये है कि अगर सॉइल गीली है तो ये नहीं कि हम
दूसरे दिन भी हमें पानी जरूर ही डालना है। चेक करके हमेशा फिंगर को पोक करके देख लें, सॉइल अगर गीली है तो पानी ना दें। तो बस यही कुछ इसकी केयर है। और कीड़े मकौड़े कुछ इससे ज़्यादा लगते नहीं है, वही आप महीने में एक बार नीम ऑयल अगर आप करते रहेंगे अपने प्लांट्स में तो लगेंगे ही नहीं कीड़े। ये तो वैसे भी इंडोर मैं तो रख रही हूँ तो उसमें तो ज़्यादा नहीं होते हैं कीड़ों काटे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अपनी सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए जैसे कि आप लोग दे रहे हैं और जिसकी मुझे ज़रूरत है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे आगे अभी मुझ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो फ्रेंड्स मैंने कैप कर दिया, वरना मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाती रहूँगी और बस आपका सपोर्ट और मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो फिर तो बस ऐसे ही चलता रहेगा सफ़र और हम लोग अच्छी अच्छी बातें अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कस करते रहेंगे। मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके लिए यूज़फुल होते रहें इसकी मैं पूरी आशा करती हूँ और पूरी कोशिश करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लव यू, बाय।